हम ये कौशल कादरी साहब है, समा के रिपोर्टर है, जो नवाज शरीफ के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं उधर। ये आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो ना, सुनो, उधर ही खड़े रहते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हकीकत हमेशा तलख होती है। कौसर काजमी साहब को एक शख्स ने घेर लिया है और उनसे सवाल करता है कि आप नवाज शरीफ के घर के सामने हर वक्त मौजूद होते हैं और सिर्फ उसी की रिपोर्टिंग करते हैं, उसी के गुण गाते हैं, जिसके ऊपर कौसर काजमी साहब बुरा मानते हैं। पहले आपकी वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। हम ये कौसर काजमी साहब है, समा के रिपोर्टर है, जो नवाज शरीफ के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं उधर। ये आप तो आड़ी जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो ना, सुनो, उधर ही खड़े होते हैं भाई, दरवाजे के सामने नहीं, मैं हर जगह खड़े होते हैं, तो दरवाजे आते हैं, वहाँ भी खड़े होते हैं, इमरान आते हैं, वहाँ भी खड़े होते हैं। अच्छा, बतौर रिपोर्टर जो होता है ना, उसका काम होता है खबर निकालना। बिल्कुल, खबर के लिए उसको टट्ठे खुए के पास जाना पड़े, वो जाए। चले, मैं आपकी ना एक बात में एक्सेप्ट कर लूं, आराम से बात, मैंने कोई गलत बात नहीं, वो नवाज जी के दरवाजे के, तो दरवाजे क्यों है, वो दरवाजे क्यों है मेरे भाई, ये तरीका है जिसको आप एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, जैसे कि मैं आपको कर रहा हूं। ठीक है, जब आप एक लिमिट क्रॉस करेंगे फिर आप जैसी बात, मैं लिमिट नहीं, नहीं, आप भाई हमारे रिस्पेक्टेबल है, आप रिपोर्टर है, आप ना मुझे सेटिस्फाई कर दे, आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह को आदर नाजर जान के कहता हूं मैं न्यूट्रल हूं, मैं न्यूट्रल, हां जी, इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी साफ न्यूट्रल नहीं है, सारे डाउट है, कोई न्यूट्रल, सारे डाउट है, डाउट के लफ्ज नहीं, नहीं, मैंने आपकी आज तक, मैंने आपको पहले कहा, मैंने आज तक आपकी कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी कि जिसमें आपने उनकी डाउट गिरी ना की हो, ये देखा है डाउट गिरी और ये लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे आपसे मैं भी आप ही कह रहा हूं, नहीं आप नहीं कह रहे, आप डाउट गिरी, आप जितने भी, आपने कभी वहां पे न्यूट्रल बात की है, मैं नहीं करता यार, बस फिर डाउट है ना, ये कौसर काजमी साहब खुद एतराफ करते हैं कि मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं एक तरफ की बात करता हूं, मगर मुझे टाउट भी नहीं कहा जाए। आप अंदाज़ा करें कि जब कोई सहाफ़ी न्यूट्रल नहीं होता तो आप उसको टाउट ही कहेंगे, क्योंकि वन साइडेड बात करने वाला हमेशा से एक एजेंडे पर काम करता है। ये साइड में जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये वो क्लिप है जहाँ पर ये कौसर काजमी साहब एक ओवरसीज पाकिस्तानी लड़की जो है सारा मीर, उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है और वहाँ पर उनको गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहा है, क्योंकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज कर रही होती है और कौसर काजमी साहब उसका बुरा मानते हैं। आप अब खुद अंदाज़ा करें कि कौसर काजमी साहब को क्या है कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज पर बुरा मनाएं। दरअसल ये है ही टाउट, क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद होते हैं और इनका काम एक किस्म की चौकीदारी है, जो नवाज शरीफ के घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर ये लोग चौकीदारी करते हैं और वहाँ पर जब कोई एहतजाज करने आ जाते हैं तो ये वहाँ पर उन लोगों के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि कौसर काजमी साहब को टाउट कहना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें।